अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा इबलीस सूरत बदल कर हजरत याया अलैहि सलाम के सामने आया और कहने लगा कि मैं आपको कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। आप अलैहि सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता ये बताओ कि बनी आदम के बारे में तेरा क्या ख्याल है। इबलीस ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बनी आदम तीन किस्मों पर हैं, यानी हमने बनी आदम को तीन हिस्सों में तकसीम कर रखा है। पहली किस्म वो लोग हैं जिन्हें फुसलाना हमारे बस का काम नहीं, क्योंकि हम इनके पास जाते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसको बहला फुसला कर अपने काबू में कर लेते हैं और उसको दीन के रास्ते से रोक देते हैं। मगर ये किस्म फौरन तौबा और इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत रायगा हो जाती है, फिर हम दोबारा जाकर उसको बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर फिर वो दोबारा तौबा कर कर हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। वर्द ये कि ऐसा शख्स हमारे जाल में नहीं आता, इसलिए हम उनसे ना उम्मीद भी नहीं होते और ना ही उससे कोई अपनी हाजत करा सकते हैं। ताहम इस किस्म से बहुत मुशक्क़त में पड़ जाते हैं। और बनी आदम की दूसरी किस्म वो लोग हैं जो आसानी से हमारे काबू में आ जाते हैं और वो हमारे हाथों में इस तरह रहते हैं जिस तरह तुम्हारे बच्चों के हाथों में गेंद। हम उनसे जैसे चाहते हैं काम लेते हैं और यूँ हमारी मेहनत कारामत साबित हो जाती है। और तीसरी किस्म में आप जैसे मासूम लोग हैं जिन पर हमारा कोई काबू नहीं। अल्लाहु 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 अल्लाह।